सीएफओ प्रयागराज से गर्मी के सीजन में अग्निकांड से निपटने के लिए अग्निशमन और आपद सेवा द्वारा की गई तैयारी के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। तो सीएफओ द्वारा बताया गया कि प्रत्येक तहसील में स्थापित फायर स्टेशन के अग्निशमन वाहन और अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आइए सुनते हैं इस बारे में सीएफओ डॉक्टर राजीव पांडे ने क्या जानकारी साझा की। मई का अभी समय चल रहा है और जून आने वाला है और इस जून में काफ़ी तपिश रहती है। अभी तो फिलहाल 43 डिग्री प्रयागराज का तापमान चल रही है और इस बीच क्या होता है कि जून में काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ जाती है, जिसके कारण तमाम शहरों में, मकानों में, होटलों में शॉर्ट सर्किट होती है और आग लग जाती है और साथ साथ गांव के भी जो जितने भी कस्बे हैं उनमें सारे फसलों की बर्बादी हो जाती है आग लगने के कारण। इस बार हम जानना चाहते हैं डॉक्टर राजीव पांडे जी से कि अग्निशामक के सीएफओ हैं, किस तरह की व्यवस्था प्रयागराज में इन्होंने किया है। डॉक्टर साहब बताइए कि किस तरह का आपने अग्निशामक का व्यवस्था कराया है प्रयागराज? जी हाँ, जनपद में जो है इस समय हमारे 10 फायर स्टेशन संचालित हैं और वहाँ पे सभी गाड़ियों को और अधिकारी कर्मचारियों को सबको अलर्ट मोड 24 घंटे रखा गया है कि किसी भी सूचना पे तत्काल कार्रवाई करें और अग्निशमन की कार्रवाई करें जिससे कोई जनहानि न हो। और इसके मध्य रखते हुए जो है अभी हम लोग जो है मॉक ड्रिल कराते हैं, लगभग प्रतिदिन 40 स्थानों पे मॉक ड्रिल होती है। हर फायर स्टेशन 5 स्थानों पे मॉक ड्रिल कराता है, लोगों को प्रशिक्षित करता है कि क्या करें कि आग न लगे। अगर आग लग भी जाती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से या गैस से तो उसको कैसे हम रोकें, फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे प्रयोग करें, ये हमारे जो है अधिकारी कर्मचारी जाके जगह जगह प्रत्येक तहसीलों में जाके और प्रचार प्रसार करते हैं। प्रत्येक रेस्टोरेंट में, होटल में, गेस्ट हाउस में, हॉस्पिटल्स में, सब में जो है फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का प्रशिक्षण देते हैं। निकास मार्ग को देखते हैं कि कोई आपात स्थिति आ जाए या अग्निकांड हो जाए तो कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए। ये भाई कोई ऐसे ड्रिल कराया जाता है कि कैसे कोई अग्निकांड होने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ये कार्यक्रम हमारा प्रतिदिन चलता है, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस महोदय के आदेशानुसार जो हमारी स्कीम चलाई जाती है। अभी हम लोग 3 दिन लगातार स्कीम चलाए, होटल मॉल रेस्टोरेंट वगैरह हॉस्पिटल में जो है 700 लगभग भवनों का सूची बनाया गया है और इलेक्ट्रिक सुरक्षा डिपार्टमेंट जो है और विद्युत विभाग जो है इसको ऑडिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कर रहा है और ये लगातार इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट करके उनको नोटिस भी दी जा रही है कि मतलब कि अपने संस्थान का वायरिंग नई वायरिंग करा लें। मैंने आपका कहना है कि शॉर्ट सर्किट जो होता है लोगों की गलतियों से होता है। हाँ, लोगों की गलतियों से होता है। लोग पहले अपने संस्थान को बना लिए, प्रत्येक कमरे में एसी लगा रहे हैं, गीजर का प्रयोग करते हैं, तमाम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का प्रयोग करते हैं जिससे लोड बढ़ जाता है, सर्किट पर लोड बढ़ने से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो लोगों की काफ़ी लापरवाही है। लोगों को अपील मेरे द्वारा की जाती है कि अपने भवन संस्थान का जो है इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट विद्युत सुरक्षा विभाग से स्वयं आगे बढ़ के कराएं। अच्छा, गांव खलिहानों में काफ़ी आग लग जाती है, गांव खलिहानों में फसलों में आग लग जाती है, जो पछुआ हवाएं चलती हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है जिससे कुछ लापरवाही कारण आग लगती है। लोग बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं, कुछ महुआ के पत्तियों को जलाते हैं लोग बगीचे में, हवा चलती है सर्किट से लग जाती है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है दोपहर जो है 10 बजे से 5 बजे तक विद्युत काटने का भी निर्देश दिया गया, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। कुछ अग्निकांड की घटनाएं इस वर्ष कम हुई जो है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से नहीं हुई, बाकी जो घटनाएं हुई लापरवाही से हुई और कुछ लोग जो है पराली भी जलाते हैं वो भी गलत है। आग लगने के कारण क्या होता है कि राजस्व की हानि होती है, चूंकि वो क्लेम किसान करते हैं तो फिर राज्य सरकार को वो देना पड़ता है उसके लिए कि मेरी इतनी बीघे जमीन जल गई। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हमेशा ये देखा गया है कि आग लग जाती है? हाँ, तो ये तो होता है लेकिन उसको रोका जा रहा है। तहसील स्तर पर जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्रवाई की जा रही है कि लापरवाही से कोई आग न लगे और इस पे जो है हम लोग फायर सर्विस द्वारा भी और कार्रवाई कर रहे हैं। फायर सर्विस वो निश्चित स्थान पे गांव कस्बे में होते हैं क्या? हाँ हाँ, प्रत्येक तहसील में हमारे फायर स्टेशन है। यहाँ पे जो तहसीलें हैं प्रत्येक तहसील में हमारे फायर स्टेशन हैं और सभी लोग जो है निगरानी करते हैं, डेली जाके क्षेत्र में करते हैं। हमने अग्नि सचेतक बनाया है, पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में जो है 100 अग्नि सचेतक बनाने हैं। इसे 23 ब्लॉक हैं प्रयागराज में जो हमारे जो है 2300 अग्नि सचेतक बनाए गए हैं जिनको हम लोग प्रशिक्षण 3 दिन का देके उनको बीच में बुला के फायर स्टेशन पर प्रत्येक ब्लॉक में 100-100 जो है वो जाके गांव में लोगों को प्रशिक्षित करते हैं और गांव के घटनाओं को रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। उनको हम लोग प्रमाण पत्र भी दिए हैं और बीच बीच में उनको जो है हम लोग सुझाव भी देते रहते हैं कि आप लोग बचाइए, कोई सूचना हो, कोई घटना हो तो हम लोग तत्काल बताइए। इससे हम लोगों को अग्नि सचेतकों से बहुत मदद मिल रही है। जून का समय आने वाला है,
और काफ़ी गर्मी भी बढ़ेगी, उसमें आप क्या निर्देश देना चाहते हैं आम जनता को? जी, जून में जो है ज़्यादा घटनाएं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से होती है टेम्परेचर बढ़ने से, और ज़्यादा प्रथम स्थान रहा पूरे प्रदेश में, पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा समीक्षा किया गया तो उसमें जो है यहाँ का प्रचार प्रसार काफ़ी चल रहा है, और एक वर्ष में जो है 4200 स्थानों पर हम लोगों ने मॉक ड्रिल कराया और लगभग लोगों को प्रशिक्षित कर दिया, और भी जो बचे हैं उन पर कराया जा रहा है और दोबारा भी कराया जा रहा है। लोगों को ये ट्रेंड कर दिया जा रहा है कि कोई आगजनी हो तो हम कैसे बचें। डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए कि शॉर्ट सर्किट से आग जो लगती है इसकी क्या दुर्व्यवस्था है लोगों का कि जो शॉर्ट सर्किट हो जाती है? देखिए, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, होटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, भवन हैं, ये काफ़ी पुराने बने हुए हैं। जो पहले भी घटना हुई थी प्रयागराज में महाधिवक्ता भवन में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी थी। अभी नेहरू कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, उसकी समीक्षा किया गया तो पाया गया कि उसमें जो है बहुत जर्जर हालत नेहरू कॉम्प्लेक्स में रही, उसकी वायरिंग से लोग जोड़ जोड़ के तार जो है अनाधिकृत रूप से काफ़ी सर्किट बना लिए हैं, जिससे लोड होने के कारण जो है अग्निकांड की घटनाएं होती हैं। तो इस पर विद्युत विभाग की कोई निगरानी नहीं होती? नहीं, इस मकानों में, भवनों में, प्रतिष्ठानों में भी आग लगती है और ट्रांसफार्मर भी में भी आग जल जाता है। काफ़ी ट्रांसफार्मर पिछले वर्ष आग लगी थी और उससे हमको लग रहा है कि मतलब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है, इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को सही करा लें, सेफ्टी ऑडिट करा के, और ज़्यादा लोड न रखें, नहीं तो उनको भी नुकसान होगा, जनहित को काफ़ी नुकसान होगा। जैसा कि आपने सुना कि किसी भी सूचना पर फायर स्टेशन द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाती है। प्रतिदिन सभी फायर स्टेशन द्वारा होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट में मॉक ड्रिल की कार्यवाही की जा रही है। एक वर्ष में 4200 बिल्डिंग, हॉस्पिटल, होटल, गेस्ट हाउस, स्कूल, कॉलेज, अन्य भवनों में मॉक ड्रिल कराया गया है। गर्मी के समय में ज़्यादा घटनाएँ इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट से हो रही हैं। इस संबंध में सभी से अपील की जाती है कि अपने भवन का इलेक्ट्रिक फायर ऑडिट विद्युत सुरक्षा विभाग से अवश्य करा लें, जिससे जनजीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सके। हमारे डॉक्टर राजीव पांडे जी CFO जो अग्निशामक के हैं, उन्होंने कहा, आम जनता से ये अपील किया कि अपने लोड सर्किट को ना बढ़ाएं और अपनी सुरक्षाओं को अपने नज़रिया से देखें, जिससे आपके घर में किसी तरह की हादसा नहीं होगी और सुरक्षित आप रहेंगे। सहारा समय के लिए सुनील बच्चन, प्रयागराज। Yeah.